एमए का डिग्री तो होगा नहीं इनके पास. क्यों क्यों लेकिन? क्योंकि आग लगा दिया होगा इन्होंने. आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा. अगर आपने नेहा को रुला दिया तो आप फाइनल तक पक्के. ध्यान रखिए. कोई इंसान टूट जाता है ना, बिखर जाता है ना, तब म्यूजिक आता है और उसे कहता है सब ठीक हो जाएगा. तो एक बार फिर हम लेकर आए हैं इंडियन आइडल के मंच से कुछ खास खबरें, जहां प्रीमियर एपिसोड में हर कंटेस्टेंट ने जी जान से परफॉर्मेंस दी और रौनक बढ़ाई. वही महफिल में चार चांद लगाने पहुंचे कृष्णा अभिषेक, जो अपने कॉमेडी से एक अलग ही महफिल जमा दी. अरे ये वाला गाना नहीं बाबा, पाला बैठे ले सामने. ये बजाओ रे. अनु जी बचपन से टीवी पे देखे लिए इनको. बचपन से? बचपन से विशाल ददलानी बिल्कुल बदला नहीं. अच्छा अनु जी, तो इस शो में क्या आप एमए किया आपने? हाँ। तो आपके पास एमए का डिग्री तो होगा नहीं इनके पास. क्यों क्यों लेकिन? क्योंकि आग लगा दिया होगा इन्होंने. आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा. सपना जी, हमारे बच्चों को भी तो कुछ टिप दीजिए ना प्लीज. अच्छा जी, कभी भी ऐसा होता है ना स्टेज के ऊपर सुर ऊपर नीचे हो गया तो इमीडिएटली रो देने का, बोलने का हमारा प्रॉब्लम है कोई. हाँ? हमारे घर का प्रॉब्लम है, मेरा तबीयत खराब है, मेरा ऐसा हो गया है, मेरा वैसा हो गया है. अगर अगर आपने नेहा को रुला दिया तो आप फाइनल तक पक्के. ध्यान रखिए. वही अजमत की कहानी किसी से छिपी नहीं है. खुद को बुरी आदतों से निकालने के बाद अजमत अपने सिंगिंग करियर को एक और मौका दे रहे हैं, और ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में अजमत को मिला स्टैंडिंग ओवेशन. कोई इंसान टूट जाता है ना, बिखर जाता है ना, तब म्यूजिक आता है और उसे कहता है सब ठीक हो जाएगा. ये साफ दिखाई देता है कि अगर एक इंसान चाहे तो क्या हो सकता है. वो कुछ भी हो सकता है, वो जमीन से आसमान तक जा सकता है. वो एक टूटे अजमत से, एक जुड़ा हुआ अजमत जो रिकवरी के राह पे पूरी तरह है, जो मुस्कुरा रहा है और जो इस तरह गा रहा है कि मतलब स्टैंडिंग ओवेशन मैं फिर से देना चाहूंगा. टू गुड ब्रदर, मुबारक हो आप. मेरे दिल की बात बोलना चाहूंगा सर, आप तीनों जज ने मुझे भरोसा करके मतलब मुझे मौका दिया, तो मैं चाहता हूँ मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी दिखाऊँ की हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ और आगे करता रहूंगा, जिससे आपको भी फख्र हो मेरे को. क्या बात है. इंडियन आइडल से जुड़ी सारी खबरों के लिए देखते रहिए टेली मसाला.